नमस्कार, मैं पाखी शर्मा, आप देख रहे थे 24x7 लाइव टीवी। आइए नजर डालें 20 बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन हुआ जारी। मुंबई में पेड़ काटने के खिलाफ प्रदर्शन, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईमेल पर धमकी देने वाला शख्स राजस्थान से हुआ गिरफ्तार। आरे कॉलोनी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे आदित्य ठाकरे, बोले इकोसिस्टम दबा कर रही है मुंबई मेट्रो। अयोध्या केस पर धवन बोले बाबर विध्वंसक नहीं था, मस्जिद तो मीर बाकी ने बनाई थी। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के 2 महीने के बाद सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला, 6 लोग हुए घायल। दिल्ली में आतंकियों की घुसपैठ की सूचना पर मथुरा में भी हाई अलर्ट, कृष्ण जनस्थान पर सुरक्षा बल तैनात। मलिहा लोधी पर पाकिस्तान का पकड़ा गया झूठ, तो इमरान सरकार को देनी पड़ी सफाई। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बोले हमारे भगवान राम और भाजपा के भगवान राम में है फर्क। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला, बाढ़ग्रस्त बिहार को 400 करोड़ की सहायता देगा केंद्र। दिल्ली से लुधियाना के लिए सरबत द भल्ला एक्सप्रेस ट्रेन रवाना, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। फिर लाल बुझगड़ बना मानसून, पूर्वानुमान से ज्यादा भीगा देश। पीएमसी घोटाले में ईडी ने जब्त की एसडीआईएल मालिक की 12 कारें। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लापता निदेशक भी हुए गिरफ्तार। बिहार में बारिश से तबाही, कहीं ट्रैक्टर तो कहीं खुद की बनाई नाव से घर से निकले लोग। भारतीय क्रिकेट टीम के हार्दिक पांड्या जल्द करेंगे मैदान पर वापसी, सोशल मीडिया पर थी बड़ी खुशखबरी। अफगानी क्रिकेटर मोहम्मद नबी की मौत की झूठी खबर हुई सोशल मीडिया पर वायरल। इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह ने किया साफ, द 100 लीग के ड्राफ्ट से वापस लेंगे नाम। मणिपुर में लैब टेक्नीशियन ने किया नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न, हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। फिल्मोर ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 3 दिन में 100 करोड़ की कमाई। तो ये थी इस वक्त की 20 बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार, मैं पाखी शर्मा, आप देख रहे थे 24x7 लाइव टीवी। आइए नजर डालें 20 बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन हुआ जारी। मुंबई में पेड़ काटने के खिलाफ प्रदर्शन, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईमेल पर धमकी देने वाला शख्स राजस्थान से हुआ गिरफ्तार। आरे कॉलोनी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे आदित्य ठाकरे, बोले इकोसिस्टम दबा कर रही है मुंबई मेट्रो। अयोध्या केस पर धवन बोले बाबर विध्वंसक नहीं था, मस्जिद तो मीर बाकी ने बनाई थी। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के 2 महीने के बाद सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला, 6 लोग हुए घायल। दिल्ली में आतंकियों की घुसपैठ की सूचना पर मथुरा में भी हाई अलर्ट, कृष्ण जनस्थान पर सुरक्षा बल तैनात। मलिहा लोधी पर पाकिस्तान का पकड़ा गया झूठ, तो इमरान सरकार को देनी पड़ी सफाई। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बोले हमारे भगवान राम और भाजपा के भगवान राम में है फर्क। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला, बाढ़ग्रस्त बिहार को 400 करोड़ की सहायता देगा केंद्र। दिल्ली से लुधियाना के लिए सरबत द भल्ला एक्सप्रेस ट्रेन रवाना, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। फिर लाल बुझगड़ बना मानसून, पूर्वानुमान से ज्यादा भीगा देश। पीएमसी घोटाले में ईडी ने जब्त की एसडीआईएल मालिक की 12 कारें। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लापता निदेशक भी हुए गिरफ्तार। बिहार में बारिश से तबाही, कहीं ट्रैक्टर तो कहीं खुद की बनाई नाव से घर से निकले लोग। भारतीय क्रिकेट टीम के हार्दिक पांड्या जल्द करेंगे मैदान पर वापसी, सोशल मीडिया पर थी बड़ी खुशखबरी। अफगानी क्रिकेटर मोहम्मद नबी की मौत की झूठी खबर हुई सोशल मीडिया पर वायरल। इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह ने किया साफ, द 100 लीग के ड्राफ्ट से वापस लेंगे नाम। मणिपुर में लैब टेक्नीशियन ने किया नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न, हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। फिल्मोर ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 3 दिन में 100 करोड़ की कमाई। तो ये थी इस वक्त की 20 बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी।